मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की जो अपनी क्लास में अपना टॉपिक है कंजक्शन, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने कंप्लीट हो चुकी थी, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये हमारा 7 वा है, 8 ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और उसमें ये 7 नंबर का है कंजक्शन और 8 नंबर का इंटरजेक्शन। ओके, फिर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। कंजक्शन, कंजक्शन यानी कि जो किसी को जोड़ने का काम करता हो वो क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। इन विच टू वर्ड्स, टू सेंटेंस, टू नाउन, टू प्रोनाउन, टू एडवर्ब, बट वो डिफरेंट होंगे। यानी जो डिफरेंट नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या फिर होल सेंटेंसेस है, या फिर आपके कोई भी जैसे सब्जेक्ट हैं, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट है उन्हीं को ही हम, यानी उन्हीं को ही ये क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ओके, कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स, यानी कि जो कंजक्शन है वो एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को जोड़ता है और सेंटेंसेस, और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ देता है। एंड मोर देन टू, यानी कि और मोर देन टू, यानी दो तीन चार जितने भी आती हैं उन सबको क्या कर देता है, ये जोड़ने का काम करता है। ओके, कंजक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अभी जो कंजक्शन होती हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट, सेकंड इज सब ऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट। इट मीन्स, अब ये देखो थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ मैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिस मतलब को यानी कि किसी को सहयोग करना। ओके, किसी का सहयोग करना यानी कि जब वो टू सेंटेंसेस होंगे, टू वर्ड्स होंगे, अपने आप में क्या होंगे, वो अपने आप के अंदर बिल्कुल कंप्लीट सेंस वाले होंगे। यानी उनको अगर हम किसी इन कंजक्शन को रिमूव भी कर देंगे तो भी वो क्या देंगे, हमें एक कंप्लीट सेंस देंगे। और सब ऑर्डिनेट, अब देखो सब, सब का मतलब क्या होता है, उप यानी कि आधा, जैसे उप मुख्यमंत्री होते हैं और ये जो होते हैं ना, तो ये सब का मतलब कम, थोड़ा सा कम, यानी कि किसी पर डिपेंड रहने वाला। ओके, सबऑर्डिनेट के अंदर जो हम जोड़ते हैं किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को, या फिर फ्रेज को, या मतलब एडवर्ब को, तो उसमें सबऑर्डिनेट में वो जो होता है, जो कंजक्शन होती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और उन डिफरेंट को हम जोड़ेंगे। अगर हम इस कंजक्शन को रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो कोई सेंसेबल नहीं बचेंगे। यानी कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल जो होता है, यानी प्रिंसिपल क्लास होता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं इन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब अगर इनको ही मैं रिमूव कर दूँ तो इनकी कोई भी वैल्यू नहीं बचते, यानी कि वो अपना कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनको हम, जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, और कुछ मतलब भी चॉइस में भी लाते हैं। और जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो क्लास के अंदर यूज़ होते हैं। इसमें क्लास में आपने मिक्स्ड सेंटेंस सुना है, मिक्स्ड में सिंपल सेंटेंस होते हैं, है ना, और कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, और नेक्स्ट क्या होते हैं, मिक्स्ड। साधारण वाक्य होते हैं, जटिल वाक्य और मिश्र वाक्य। जो मिश्र वाक्य होते हैं, है ना, सॉरी वो कंपाउंड वाले, सिंपल एंड कंपाउंड, और मिक्स्ड वाले, है ना, कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड मिक्स। मिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जो सिंपल और कंपाउंड होते हैं ना, वो तो जुड़ते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। किससे जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। और जो जिसको हम मिक्स और कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना, वो जुड़ते हैं सबऑर्डिनेट से भी। जो हमारे मिश्र वाक्य हिंदी में होते हैं ना, वो सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं। और जितने भी सरल वाक्य और जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो किससे जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट से जुड़ते हैं। ऐसे इंग्लिश में क्या होगा, सिंपल, सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस कनेक्टेड आर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एंड मिक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स इज टू कनेक्टेड आर सबऑर्डिनेट्स कंजक्शन। ओके,
अब फर्स्ट अपना है कोऑर्डिनेट, यानी कि जो कोऑर्डिनेट है वो हमारी जो कंजक्शन है वो कौन कौन सी है, तो मैंने इनको डिफाइन किया हुआ है। देखो कोऑर्डिनेट को मैंने एक छोटा सा चार्ट बना दिया कि ये फोर टाइप्स की हैं, ठीक है। फर्स्ट है कुमुलेटिव, या इसका सेकंड नेम है कोपुलेटिव, ओके। कुमुलेटिव का काम होता है जोड़ना, कोपुलेटिव यानी जोड़ने का काम करने वाली। अल्टरनेटिव या फिर चॉइस, यानी कि विकल्प वाली, यानी कि जो किसी टू थिंग्स के अंदर कोई एक चॉइस को बताए। नेक्स्ट है एडवर्स टाइप एंड कॉन्ट्रास्टिव, यानी कि विरोध और अंतर करने वाली, ठीक है, यानी किसी में भेद बताने वाली, उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो बताने वाली। इलेटिव और इन्फ्रेंस, इलेटिव यानी कि जो निष्कर्ष निकालते हैं ना वो वाले। तो अब इनको मैंने इनके नीचे डिफाइन नहीं किया क्योंकि वो शॉर्ट वे होता और उसमें आप समझ नहीं पाते। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला है वो है कुमुलेटिव, यानी कि जो कंजक्शन है वो जोड़ने का काम करती हैं। जो कंजक्शन मतलब जॉइनिंग का यानी जॉइंट का काम करती है वो कौन कौन सी होती हैं, एंड, बोथ एंड, ठीक है, बोथ एंड। नेक्स्ट है एज वेल एज, फिर नेक्स्ट है नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो। नेक्स्ट है हमारे पास नो लेस देन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, जोड़ने का काम करने वाली है। अब देखो ये जो आपकी जोड़ने वाली है तो वो टू टाइप्स से होंगी, है ना, कि अगर सब्जेक्ट सेम हो तो कैसे जोड़े, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो कैसे जोड़े। अब ये देखिए एग्जाम्पल है अपना ही केम टू मी, ओके। इसकी जो डेफिनेशन दी है मैंने कि इट इज़ यूज टू टाइप्स, व्हेन द सब्जेक्ट इज सेम एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज डिफरेंट। अब यह सब्जेक्ट की जगह वर्ब भी आ सकती है कि जब वर्ब अलग हो या फिर जब ऑब्जेक्ट अलग हो, है ना, तो उनको ऐसे ही जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ेंगे आप देख सकते हैं, ही केम टू मी, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही केम टू मी, है ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है, ही गेव मी ए लेटर, ही गेव मी ए लेटर, ओके। अब आप ये देखो, ही इसका सब्जेक्ट और ही इसका सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट तो सेम है, वर्ब क्या है, अलग अलग है ना, वर्ब अलग है ना, तो अब इनके बीच में आप एंड लगा के भी बना सकते हो। देखो अब जैसे ही, अब अपना जो मैं पहला बता रही हूँ आपको एंड लगा के, ओके, ये जो था ना अपना एंड बोथ एंड ऐसे, तो ये हमारा हो गया ही, ओके, केम टू मी, ही केम टू मी एंड गेव मी, एंड गेव मी ए लेटर, ए लेटर, ओके, ये एंड से जुड़ गया। अब ये नेक्स्ट देखो, आप नेक्स्ट है बोथ एंड से, है ना, किससे जुड़ना था, बोथ एंड से, ही आगे क्या कहेंगे आप, सॉरी ये बोथ एंड से नहीं, ये नेक्स्ट वाला मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये बाद में करके दिखाऊंगी। देखो राम इज़ ए गुड बॉय, मोहन इज़ ए गुड बॉय, तो इसमें आप किसे करेंगे, बोथ एंड, है ना, तो राम एंड मोहन। अब एक आप थोड़ा नोटिस रखना, बोथ एंड के बाद जो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी जो एंड से पहले है ना, तो उसमें सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगा, और प्लूरल है तो
प्लूरल, गलत होगा ये ऐसे। ये हमारे एंड के बाद में ऑलवेज हम प्लूरल ही लगाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग नहीं देखना कि भाई ये बोथ से पहले, एंड से पहले क्या है, एंड से पहले कुछ नहीं है। जैसे एंड के साथ ये देखना, आप एंड लगा हुआ है अगर, तो उसमें हमें क्या भरना पड़ेगा, प्लूरल भरना पड़ेगा बोथ एंड वाले में, ठीक है। बोथ और एंड वाला जो है इसमें क्या भरना पड़ेगा, प्लूरल। बोथ राम एंड मोहन आर गुड, अब ए मत लगाना, ओके बॉयज, क्योंकि अभी ये प्लूरल हो गया ना। नेक्स्ट है आपका नॉट ओनली बट आल्सो ना, एंड एज वेल एज एंड नो लेस देन। अब देखो नॉट ओनली बट आल्सो, अब आप राम वाला ही बना सकती हो, नॉट ओनली राम नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन इज गुड बॉय, इज ए या इज गुड बॉय, ओके। नेक्स्ट क्या है, एज वेल एज, तो इसमें कैसे बनाएंगे, राम एज वेल। देखो वो मैंने जैसे ये आपका फर्स्ट वाला था ना, वो नहीं बनाया था मैंने बोथ हैंड से, तो वो जो सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे ना तो ही बनेंगे बोथ हैंड वाला ना, वर्ब डिफरेंट होगी तो नहीं। अब हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि बोथ कम एंड गेव मी, अब ऐसे नहीं ए लेटर, ठीक है ना, तो वो ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि सब्जेक्ट तो आया ही नहीं। जिसमें सब्जेक्ट डिफरेंट होगा उसमें बोथ हैंड से जुड़ेगा। अब क्या मैंने एज वेल एज से ना, राम एज वेल एज मोहन, राम एज वेल एज मोहन या श्याम इज गुड बॉय, ओके। अब देखो जी लेस देन वाला है इसमें एक, कि शी इज इनोसेंट, सी इज इनोसेंट, ही हर, सॉरी इसका ये जो है इसमें एच ई आर लगाना भूल गई मैं, हर लवर इज इनोसेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, शी नो लेस देन हर लवर इज इनोसेंट, ओके। तो आज का अपना इतना ही, नेक्स्ट कल करवाती हूँ मैं। थैंक यू ऑल फॉर दिस क्लास।